दोस्तों, आप फोटोशॉप में बैनर बनाने के ट्यूटोरियल्स बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताएंगे जिसके माध्यम से अगर आप फोटोशॉप में नए हैं या अगर आप बिगिनर हैं, आप फोटोशॉप के बारे में कम नॉलेज रखते हैं, तो आज के बताए गए मेथड के तरीका से आप बड़े ही आसानी से अपने बैनर को अच्छी क्वालिटी में डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखें। तकरीबन 10 से 15 मिनट का ये वीडियोस है, उसे देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि फोटोशॉप में आप बैनर बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फोटोशॉप में बैनर बनाने के लिए आपको कोई न कोई एक फोटोशॉप का वर्जन होना जरूरी है। अभी हमारे पास फोटोशॉप का 7.0 वर्जन है। ये एक ऐसा वर्जन है जो कि आपको इसका ऑप्शन सभी फोटोशॉप के वर्जन में मिल जाएगा, इसलिए अभी हम फोटोशॉप का 7.0 वर्जन को यूज कर रहे हैं। दोस्तों, बैनर बनाने से पहले हम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उसका साइज क्या लेना है। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास साइज लेने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज ले लेते हैं बैनर का। उसके लिए मुझे फाइल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास न्यू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा नेम। तो नेम में आप चाहे तो यहाँ पे बैनर लिख सकते हैं, ठीक है, हमने बैनर लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे आता है प्रीसेट साइज। प्रीसेट साइज में जब आप क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक साइज बना हुआ है, लेकिन मुझे अपने अनुसार साइज लेना है, तो उसके लिए मुझे कस्टम पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ तक हो गया, प्रीसेट साइज में हमने कस्टम साइज सेलेक्ट कर लिया है, तो मुझे अभी यहाँ पे अपना साइज देना पड़ेगा। तो एडिट में यहाँ पे अभी हम इसको इस पर क्लिक करेंगे, इंच कर देंगे और इसमें भी इंच कर देंगे। अब मुझे कितना इंच चौड़ा और कितना इंच ऊंचा लेना है, चौड़ा और लंबाई, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे चौड़ाई में मुझे अभी जैसे कि 48 इंच लेना है, यानी कि 4 फीट लेना है। तो 4 फीट का होता है 48 इंच, हमने लगा दिया, बरचोक 48 होता है। अब यहाँ पर हाइट होता है, तो हाइट में अगर आपको 2 फीट लेना है तो 2 फीट ले सकते हैं, उसका आपको यहाँ पे 24 इंच आपको लगाना पड़ेगा। और रेजुलेशन में आप यहाँ पे 40 रेजुलेशन रख सकते हैं। जब हमने साइज लगा दिया तो रेजुलेशन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रेजुलेशन होना भी जरूरी है, तो हमने यहाँ पे 40 रख दिया है। उसके बाद मोड में आते हैं, तो मोड में यहाँ पे अभी हम RGB रखने वाले हैं, लेकिन अगर आपको प्रिंट कराना है तो अब आपको CMYK के कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपको जब आपको प्रिंट कराना हो तो CMYK में अगर रख के आप काम करेंगे तो आप जो जो कलर आप एक्चुअल आप उसमें यूज करेंगे फोटो बैनर में, वही आपका एक्चुअल प्रिंट होगा। तो अभी हम यहाँ पे RGB को सिलेक्ट कर देते हैं और कॉन्टेस्ट में आपको व्हाइट रखना है और यहाँ से आपको ओके करना है। अभी यहाँ पे आपका साइज क्रिएट हो गया है। अब इसी साइज में हम अपना बैनर को डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों, बैनर डिजाइन करने से पहले मुझे ये डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप का बैनर को डिजाइन करने वाले हैं, लेकिन हम आपको अभी बता दें कि यहाँ पर अभी हम एक ज्वेलरी का बैनर को डिजाइन करने वाले हैं। तो ज्वेलरी का बैनर को डिजाइन करने के लिए मुझे एक कई प्रकार का मुझे जैसे कि मटेरियल चाहिए होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्वेलरी के लिए मुझे जैसे कि किसी भी एक ब्राइडल का एक फ़ोटो चाहिए और कुछ यहाँ पे ज्वेलरीज के PNG वगैरह चाहिए, नेकलेस चाहिए, रिंग चाहिए, कुछ इस टाइप्स के मटेरियल्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में चले जाना है, यहाँ पे जो भी चाहिए आपको उसका यहाँ पे PNG आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ज्वेलरी PNG आप टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ज्वेलरी आ जाएंगे और उसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके आप अपने बैनर में यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कई तरीका का मटेरियल है जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको इस मटेरियल्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे यहां पे एक फ़ोटो है, तो इस फोटो को हम अपने फोटोशॉप में यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और सिंपल इस फोटो को मुझे इस पेज में लाने के लिए मुझे यहाँ पर टूल्स बार में जाना है और इस मूव टूल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपल आप इसको इसे खींच करके यहाँ पर लेके चले आएंगे, ये यहाँ पर आपका बैनर में चले आएगा। अभी हम इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हम इस साइड में यहाँ पे लगा देते हैं और कंट्रोल टी करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा और शिफ्ट को प्रेस करके इस प्रकार से यहाँ पे बड़ा कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो हमारा बड़ा हो गया। अभी इसके अंदर मुझे एक बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गूगल में चले जाएंगे और गूगल में जाके आप यहाँ पे बैकग्राउंड आप लिखेंगे तो बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कई प्रकार का बैकग्राउंड है। सिंपल हम यही बैकग्राउंड को उठा लेता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज पे क्लिक करेंगे, फोटोशॉप में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपने बैनर में और कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा। उससे पहले मुझे क्या करना चाहिए, विंडो में चले जाना है और लेयर पैनल को एक्टिव कर लेना है। यहाँ से लेयर पैनल आपको इनेबल कर लेना है,
ताकि अभी हम आपको बताएंगे आगे जो यूज होगा वो लेयर का महत्वपूर्ण यूज है इस बैनर को बनाने के लिए। तो अभी हमने क्या किया है, इस वाले बैकग्राउंड को कॉपी किया है, इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ मैं, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको यहाँ से कोने में रख लेंगे, उसके बाद एक कोना पकड़ के इसको हम इस प्रकार से खींच देंगे, देख सकते हो आप, हमने इसे खींच दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, इमेज में चले जाएंगे और क्रॉप पे क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि ये जो बैकग्राउंड है हमारा, वो जो बड़ा हमने किया इस बैनर से बड़ा, वो वहाँ तक सिलेक्शन ना बने, ये यहीं तक मेरा सिलेक्शन बना रहे तो ये बेटर लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो झाड़ वगैरह दिख रहा है, इसमें पत्ती वगैरह का है, इसको ब्लर करना है। तो सिंपल आपको चले जाना है फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद ब्लर, और ब्लर में जाने के बाद यहाँ पे गॉजियन ब्लर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीका से हमारा यहाँ पे ब्लर हो चुका है। यहाँ पे 50 आपको कर देना है, 50 में ये पूरा ब्लर हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे कि इसमें किसी भी ज्वेलरी के शॉप वाले का जैसे नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए आपको यहाँ से टूल्स बार में टी वाले टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कहीं भी आपको क्लिक कर देना है बैनर में, उससे आपको उसके बाद फिर लिखेंगे तो कुछ भी लिखेंगे, लिखना शुरू हो जाएगा। अभी इसका साइज छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए सिंपल आपको टेक्स्ट में चले जाना है और यहाँ से आप साइज को बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये अंतिम बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं 200 लिखता हूँ तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे साइज ये बड़ा हो गया। उसके बाद अभी हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। अभी हमने अपना यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है, जैसे कि शॉप ओनर का जो नाम है दुकान का, वो हमने महालक्ष्मी आभूषण भंडार लिख दिया है। अब इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे आपको टूल्स बार में जाएंगे, मूव टूल्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमने इसको बिल्कुल यहाँ से बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे ये हमारा इतना बड़ा हो चुका है। अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, कोई भी कलर इसमें फिल हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मुझे जैसे कि कुछ यहाँ पे लिखना है, जैसे हमको जैसे कि इसके विशेषताएँ लिखना है दुकान के बारे में, तो इसका यहाँ पे कॉपी बना लेंगे। इस टेक्स्ट का कॉपी बनाने के लिए क्या करना है, आपको अल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है और यहाँ पे ये टेक्स्ट का एक कॉपी नीचे खींचेंगे, यहाँ पे कॉपी बन जाएगा। अब इसको कंट्रोल टी करेंगे और इसको यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके इस प्रकार से छोटा कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमने टाइप कर दिया है, ठीक है, और लिखने के बाद अगर इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा और ऊपर में ही आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेंटराइज का, इसको सेंटर करेंगे, ये इसका लेटर सेंटर हो जाएगा। उसके बाद मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको सेंटर में ला लेंगे और कंट्रोल टी करेंगे और कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए और इसका बीच का जो गैप है इसको कम करने के लिए अल्ट को प्रेस करेंगे और अप वाला की जो कीबोर्ड में चारों साइड जो एरो होता है ऊपर वाले एरो को क्लिक करेंगे तो इसका पर अगर आप जो बीच का जो गैपिंग है वो कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कुछ नोट्स में, अगर मुझे कुछ लिखना चाहते हैं तो नोट्स में भी हम लिख सकते हैं। नोट्स में यहाँ पे इसका भी एक टेक्स्ट का एक कॉपी बना लेता हूँ मैं, इसको यहाँ से कॉपी बना लिया हमने, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने नोट भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब नोट हमारा हो चुका है और यहाँ पर मुझे अब इसका कलर चेंज करना है। चेंज करने के लिए कलर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेयर में चले जाना है, लेयर स्टाइल, और यहाँ पे कलर ओवरले, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो कि कलर ओवरले पे क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पे कलर में आप क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपको पसंद आए यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसका अगर यहाँ पे चारों साइड से वाइट कलर का स्ट्रोक देना चाहते हैं, स्ट्रोक में क्लिक करेंगे, इसका कलर यहाँ से वाइट कर देंगे और इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट का कलर हम अभी दे दिया हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके करते हैं। इसका भी कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल वही तरीका, लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल, और यहाँ से कलर ओवरले पे जाएंगे और यहाँ भी हम अपना कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे एक शेप लगाना चाहते हैं, यानी कि एक पट्टी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टूल्स बार में शेप टूल आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको शेप में क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से अगर इसको कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप येलो कलर भी ले सकते हो, यहाँ से हम येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस प्रकार से हम इसको यहाँ से हम बॉर्डर दे दिए, ठीक है। और इसको यहाँ से ब्लेंड करना है दोनों साइड से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से आप फिल्टर में चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्लर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मोशन ब्लर में क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस प्रकार से हम इसको बढ़ा देंगे रेडियस
और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका रेडिएशन बढ़ चुका है और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जो शेप टूल है इसको पीछे ले जाने के लिए मुझे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लेयर पैनल में इसको नीचे जैसे कर देंगे आप, ठीक है, टेक्स्ट को ऊपर कर देंगे, यहाँ से आपका टेक्स्ट ऊपर हो जाएगा और अभी यहाँ पे देख सकते हो कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें बड़े ही आसानी से लगा दिए हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर्स देना है तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मैं मोबाइल नंबर, इसका साइज़ यहाँ से मैं छोटा कर सकता हूँ और उसके बाद यहाँ से नंबर लिख देता हूँ मैं, कोई भी नंबर यहाँ से लिख देना है, ठीक है। कंट्रोल टी दबाएंगे उसके बाद यहाँ से इसको बड़ा कर देंगे, बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर ले आ करके रख देंगे और इसका यहाँ पे स्ट्रोक हम वाइट दे देते हूँ, वाइट यहाँ पे हमने इसको दे दिया। ओके किया, यहाँ पे देख लेता हूँ थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे वाइट दे दिया। अब जैसे कि मुझे कुछ नाम देना है, नाम जैसे कि मुझे प्रोपराइटर का नाम लिखना है तो इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने नंबर लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारा बैनर बनके तैयार हो जाता है। अब लास्ट में बारी आता है कुछ मटेरियल्स की, जैसे कि यहाँ पे ये ज्वेलरी का फोटो है तो ज्वेलरी का फ़ोटो हम यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ से कॉपी करके इस पर रख देंगे और कंट्रोल टी करेंगे और इस प्रकार से इसे हम छोटा कर लेंगे, देख सकते हो थोड़ा सा इसको हम बैनर को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको छोटा करके यहाँ पर लगा दिया। और इसमें यहाँ से मुझे ड्रॉप शैडो लगाना है तो यहाँ पर मुझे चले जाना है लेयर में, उसके बाद लेयर स्टाइल, उसके बाद ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो में जाने के बाद इसका वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसका साइज को बढ़ा लेना है और यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, नॉर्मल पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसका साइज ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हल्का सा बढ़ाना है इसको, यहाँ से देख सकते हो हमने, और थोड़ा सा डिस्टेंस को इस प्रकार से रखना है और कुछ इस प्रकार से, और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक एक करके ज्वेलरी में यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बड़े ही आसान तरीके से हमने बैनर को बनाने की कोशिश किया है, एक एक करके हमने पीएनजी सभी को पेस्ट कर दिया जैसे कि आपने देखा। तो कुछ इस प्रकार से आपको बैनर को बनाना है और डिजाइन करना है। इसको सेव करने का सबसे लास्ट और सबसे अंतिम हम आपको ऑप्शन बताने जा रहे हैं। सेव करना, जब भी आपको सेव करना है तो आप दो तीन फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। फाइल में चले जाना है और सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको दो तीन फॉर्मेट में सेव करना है। सबसे पहले तो पीएचडी आप सेव कर सकते हो और या तो आप टीआईएफ फाइल सेव कर सकते हो, जब आप फाइल को प्रिंट कराना हो तो TIEEF में आपको क्लिक करना है और आपको TIEEF फाइल पे सेव करना है। या आप बैनर इसलिए बनाना चाहते हो जैसे कि इसको कहीं पे सेंड करना हो तो आप JPG में भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे JPG हम सेलेक्ट रख रहे हैं और उसके बाद यहाँ से सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फाइल सेव हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने बैनर को बड़े ही आसानी से फोटोशॉप में अपने खुद से बैनर को डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बैनर डिजाइन करने के लिए आपको आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से बैनर को डिजाइन किया जाता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।